नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के बारे में। कंप्यूटर सामान्य ज्ञान से संबंधित आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख रहे हैं, यानी कि कंप्यूटर जीके से संबंधित आपके मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो अभी तक हम लोग आपके 14 टेस्ट ख़त्म कर चुके हैं। कितने? 14। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे 15वें टेस्ट के बारे में। तो आप लोगों को बता दें कि अगर आप पहले कंप्यूटर सामान्य ज्ञान को डिटेल के साथ चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ लें, उसके बाद अगर आप लोग मॉक टेस्ट देते हैं या कोई भी परीक्षा देते हैं, तो आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। और जो भी परीक्षा देना चाहते हैं या पास करना चाहते हैं, वो पास कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने भी आपका कंप्यूटर सामान्य ज्ञान कवर किया हुआ है और बहुत सरल शब्दों में बात की हमने, उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में पढ़ाया है। तो आप जाकर देख सकते हैं, कंप्लीट कंप्यूटर क्लासेस के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची है, उसमें आपके सभी चैप्टर पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो उन्हें जाकर एक बार देख जरूर लें। ठीक है, जहाँ से भी पढ़ें, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन कंप्यूटर सामान्य ज्ञान को डिटेल के साथ पढ़ लीजिए। उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर हम लोगों ने जो कवर किया है उसे भी आप लोग पढ़ते हैं और प्लस मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो आपका कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, फिर चाहे वो लिखित रूप में आए चाहे फिर ऑब्जेक्टिव रूप में आए, क्योंकि बहुत अच्छे से हम लोगों ने कवर किया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं। एक, माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत हुई है। माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत हुई है चतुर्थ पीढ़ी में। कब? चतुर्थ पीढ़ी। क्वेश्चन एक में आपका क्या होगा? डी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ था। इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ था सन 1970 में। कब हुआ था? सन 1970 में। क्वेश्चन है हमारा तीसरा, आईबीएम पीसी विकसित हुआ था। IBM पीसी विकसित हुआ था, ते हुआ था आपका 1981 में। तीसरे क्वेश्चन में आपका बी होगा। तीसरे क्वेश्चन में आपका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चार की। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था अल्टेयर 8800, यानी कि 8800, अल्टेयर 8800। इसमें क्या होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आपका, चार में ए। क्वेश्चन है हमारा पांच, वे लोग जो कंप्यूटरीकृत डेटा तैयार करते हैं कहलाते हैं। वे लोग जो कंप्यूटरीकृत डेटा तैयार करते हैं कहलाते हैं, यूजर और कंप्यूटर पर्सनल। इसमें आपका ए बी दोनों होंगे। पांच में आपका डी होगा, यानी कि पांच में क्या होगा? डी ऑप्शन। क्वेश्चन हमारा छठवा, आधुनिक व्यवसाय जो कंप्यूटर और इंटरनेट के सहयोग से किया जाता है किया जाता है, क्या है? ई बिजनेस, ईमेल, ई मीडिया, ये सभी। क्या होगा इसमें? सिक्स में आपका छठवें क्वेश्चन में डी होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन है हमारा सात, वे कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं को मापकर उनके परिणाम अंकों में व्यक्त करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर। सात में आपका सी होगा, वे कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं को मापकर उनके परिणाम अंकों में व्यक्त करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर है। साथ में सी, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा आठ, इनमें से कौन नेटवर्क संरचना नहीं है? इनमें से कौन नेटवर्क संरचना नहीं है? बस है, रिंग भी है, स्टार भी है,
लेकिन मून नहीं है इसमें। क्वेश्चन 8 में क्या होगा? टी क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। बात करते हैं हम लोग 9 क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9, टेबल के एक कॉलम को कहते हैं, टेबल के एक कॉलम को कहते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स 9 में आपका बी होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। 10, निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस है, निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस है? प्रिंटर, माउस, स्कैनर, कीबोर्ड, ये सभी आपके इनपुट डिवाइस हैं। प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है। 10 में क्या होगा? डी। याद रखिए माउस क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, स्कैनर, प्रिंटर, ये क्या होते हैं, इन सभी को हम लोगों ने उनमें कवर किया हुआ है। उन्हें देख लोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बेहतर स्थिति में होंगे, क्योंकि आपको पता रहेगा कि आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, माउस क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, स्कैनर क्या होता है, प्रिंटर क्या होता है, तो आप बेहतर आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो जाकर देख लें उन्हें अच्छे से। 10 में क्या होगा? डी। 11, क्या है क्वेश्चन? डाटा को स्टोर किया जाता है, डाटा को स्टोर किया जाता है डाटाबेस में, किसमें? डाटाबेस में। 11 में आपका डी। क्वेश्चन है हमारा 12, कंप्यूटर किसी भी डेटा को स्टोर करता है, कंप्यूटर किसी भी डेटा को स्टोर करता है 0 एवं 1 के रूप में। 12 में आपका बी होगा। 13, मेमोरी की क्षमता मापी जाती है, मेमोरी की क्षमता मापी जाती है मेगाबाइट में। 13 में आपका सी होगा। क्वेश्चन हमारा 14, सीडी का शाब्दिक अर्थ है, सीडी का शाब्दिक अर्थ है कॉम्पैक्ट डिस्क। याद रखिए जो भी इस तरह के फुल फॉर्म है, शॉर्टकट हैं, इन सभी के लिए भी हम लोगों ने एक अलग से आपका लेक्चर बनाया है, ये भी उन्हीं उसी पीडीएफ प्लेलिस्ट सूची यानी कि कंप्लीट कंप्यूटर क्लासेस के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची है उसी में एक पूरी क्लास है आपकी, शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म इनका क्या है, ये होते क्या है, उसी के बारे में समझाया गया है। तो 14 में आपका सी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। रिलेशनल मॉडल के मुख्य आधारभूत कार्य हैं प्रोजेक्ट, 15 में आपका सी। 16, रोम रीड ओनली मेमोरी में डेटा सिर्फ पढ़ा जाता है, 16 में क्या होगा आपका? ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 16 में ए। क्वेश्चन है हमारा 17, क्या है क्वेश्चन? किसी संरचना की विश्वसनीयता ज्यादा है, किस संरचना की विश्वसनीयता ज्यादा है? बस की। 17 में आपका ए। 18, निम्न में से आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर, फ्लोटर, मॉनिटर, स्पीकर, ये सभी होगा। 18 में आपका ई होगा, 18 में क्या होगा? ई, ये सभी। क्वेश्चन है हमारा 19, निम्न में से इनपुट डिवाइस हैं, निम्न में से इनपुट डिवाइस हैं कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, प्रिंटर नहीं है, क्या है? कीबोर्ड है, माउस है, ये दोनों आपके इनपुट डिवाइस हैं, और जो प्रिंटर है आपका ये आउटपुट डिवाइस है। तो इसमें होगा ए बी, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। 19 में क्या होगा? डी। क्वेश्चन है हमारा 20, डेटा और प्रोग्राम जहाँ जाते हैं उसे कहते हैं, डेटा और प्रोग्राम जहाँ जाते हैं उसे कहते हैं
सीपीयू, क्या आप कहते हैं? सीपीयू कहते हैं। बीस में क्या होगा आपका? डी। क्वेश्चन है 21, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा छपाई किसके माध्यम से की जाती है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा छपाई किसके माध्यम से की जाती है? बिंदुओं। 21 में आपका ए होगा। 21 में क्या होगा? ए। क्वेश्चन है हमारा 22, ओ ए एस का शाब्दिक अर्थ है? ऑफिस, ऑटोमेशन सिस्टम, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 22 में आपका सी होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन हमारा 23, मिनी कंप्यूटर की डिस्क स्टोरेज क्षमता होती है? मिनी कंप्यूटर की डिस्क स्टोरेज क्षमता होती है 20 GB। कितनी होती है? 20 GB। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका बी होगा। क्वेश्चन है हमारा 24, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है? कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है मॉडम। 24 में आपका डी। 24 में क्या होगा? डी। 25, MIS का मुख्य कार्य है? MIS का मुख्य कार्य है डेटा संग्रहित करना, प्रोसेस डाटा को जमा करना, मैनेजमेंट के लिए सूचना प्राप्त करना। उपयुक्त सभी होगा इसमें। 25 में आपका ई होगा। क्या होगा 25 में? ई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्या है 26 क्वेश्चन? ग्राफिक्स वाले आउटपुट को, ग्राफिक्स वाले आउटपुट को कागज पर उतारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्लॉटर का। 26 में आपका सी होगा। 27, एक्सेस टाइम क्या है? एक्सेस टाइम क्या है आपका? निर्देशन देने के बाद से लेकर निर्देश के पूरा होने के बीच का समय। 27 में आपका ई, 27 में डी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या होगा? डी। क्वेश्चन है हमारा 28, हाई स्पीड मेमोरी को क्या कहते हैं? हाई स्पीड मेमोरी को क्या कहते हैं? कैश मेमोरी। 28 में क्या होगा आपका? बी। क्वेश्चन है हमारा 29, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्रिंटर पर प्रिंट की जाती है? 29 में आपका ए है। 29 में ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 30, यूजर डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे कहते हैं फाइल नेम। क्या कहते हैं? फाइल नेम। क्वेश्चन है हमारा 31, क्या है? कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं बार कोड। 31 में आपका डी। 31 में क्या होगा? डी। क्वेश्चन है हमारा 32, क्या है? ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है होते हैं? ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों और फाइलों का ट्रांसमिशन आपका ईमेल होता है। क्वेश्चन नंबर 32 में आपका डी होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। 33 क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर प्रोग्रामों को लिखने वाले और उनका परीक्षण करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं?
तो उसे कहते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर। 33 में आपका सी होगा। क्वेश्चन है हमारा 34, कंप्यूटर में आप जो इन्फॉर्मेशन डालते हैं उसे क्या कहते हैं। कंप्यूटर में आप जो इन्फॉर्मेशन डालते हैं उसे क्या कहते हैं। डेटा। क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। 34 में आपका बी है। क्वेश्चन हमारा 35, कंप्यूटर में मैग्नेटिक रैम मेमोरी में अभिगम्यता होती है। आंशिक यादृच्छिक आंशिक अनुक्रमिक, यानी कि 35 में आपका डी होगा। 35 में क्या होगा? डी। क्वेश्चन है हमारा 36, HTML द्वारा कोडिंग करके बनाए जाने वाले वेब पृष्ठों की संख्या पृष्ठों की क्या एक्सटेंशन होती है। डॉट डॉट HTML डॉट HTM। 36 में आपका ए बी दोनों होंगे, यानी कि 36 में आपका सी ऑप्शन होगा। ठीक है, ए बी दोनों। क्वेश्चन है हमारा 37, कंप्यूटर बंद होने पर के कंटेंट्स निकल जाते हैं मेमोरी के। 37 में आपका डी। क्वेश्चन है हमारा 38, वीडियो प्रोसेसरों में और होते हैं जो इमेजेज को स्टोर व प्रोसेस करते हैं। बीजीए व मेमोरी। 38, वीडियो प्रोसेसर में बीजीए और मेमोरी होते हैं जो इमेजेज को स्टोर व प्रोसेस करते हैं। 38 में क्या होगा आपका? सी। 38 में आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 39, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है। MIDI। 39 में क्या होगा? डी, MIDI। क्वेश्चन है हमारा अगला 40, वे वर्ड्स हैं जिन जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है। रिजर्व्ड वर्ड्स। 40 में आपका सी होगा। क्वेश्चन हमारा 41, एक्सेल में यूजरों को उन बुक्स की कॉपी साथ लाने देता है जिन पर अन्य यूजरों ने स्वतंत्र रूप से कार्य किया है। मर्जिंग। 41 में आपका बी होगा। क्वेश्चन है हमारा 42, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसे कहते हैं इंस्टॉलेशन। ई ऑप्शन सही है। 42 में आपका ई ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 43, एक नए वेब पेज पर नोबिमेशन हेतु जिसका URL आपको मालूम है, ब्राउजर के में URL टाइप करके और एंटर दबाएं। एड्रेस बार। एक नए वेब पेज पर नोबिमेशन हेतु जिसका URL आपको पता है, ब्राउजर के एड्रेस बार में URL टाइप करें और एंटर दबाएं। 43 में आपका ए है। क्वेश्चन है हमारा 44, कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं, तथापि प्रोग्राम के मानवीय वाचक रूपांतर को कहा जाता है।
सोर्स कोड, क्या कहते हैं? सोर्स कोड। 44 में आपका सी होगा। 45, पेज पेस्ट पर शब्द कैसे आएंगे? इसके लिए शब्द हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। 45 आपका ए है। 45 में क्या है? ए ऑप्शन। 46, डिस्क की वस्तु जिसे विनिर्माण करते समय रिकॉर्ड किया जाता है और जिसे प्रयोक्ता द्वारा बदला या मिटाया नहीं जा सकता है, वह है केवल रीड, क्या है? 46 में आपका सी है। क्वेश्चन है हमारा 47, क्या है क्वेश्चन? कंप्यूटर में बस से अभी प्राय है केवल कुछ लाइनें। 47 में आपका बी होगा। क्वेश्चन है 48, ड्रम पेंटर प्रकार के पेंटर का एक उदाहरण है, लाइन पेंटर के। 48 में आपका ए। क्वेश्चन है 49, एक एल्गोरिथम के लॉजिकल स्टेप को व्यक्त करने के लिए विशिष्ट निर्देश तथा शब्द रखती है या रखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। 49 में क्या होगा आपका? ए। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 50, कमांड के कार्यान्वयन की प्रक्रिया है एग्जीक्यूटिंग। एग्जीक्यूटिंग कमांड के कार्यान्वयन की प्रक्रिया है। 50 में आपका सी होगा। तो चलिए, ये था आपका 15वां टेस्ट। अगली क्लास में हम लोग 16वें टेस्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है?